श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, मुझे बहुत गहरे विषाद का अनुभव हो रहा है। मृत्यु की भनक जैसे साथ साथ चल रही है। अंदर का विषाद अब दिखने लगा है या नया विषाद आया है वो समझ में नहीं आ रहा। जीवन की समझ भी बढ़ रही है लेकिन फिर भी कुछ उदासीनता है जो जा नहीं रही है। श्वेतांबरी जी, कोई चिंता की बात नहीं, ये स्थितियां आती हैं और चली जाती हैं। आपने स्वयं को ढूंढने, स्वयं को जानने में अपने जीवन को डाला, उसकी तरफ निष्ठा से कदम बढ़ाए, बाहरी जीवन को भी चलने दिया जैसे भी वो चला, और आपकी जो अपने को जानने की तत्परता है उसमें ऐसे पड़ाव आ जाते हैं। विषाद बुरा नहीं है, ये ऐसी स्थिति है, इसका मैं शब्दों में जितना उत्तर दूंगा वो आपको जितना समझ में आएगा सो आएगा, लेकिन मुझे सुनते सुनते ही आपको समझ आ जाएगा। इस मामले में मैं निश्चिंत हूं, निश्चित भी हूं। क्यों? क्योंकि इस चीज को मैं जानता हूं, ऐसी स्थिति से मैं भी गुजरा हूं, तो इसलिए इसको जब मैं शेयर करूंगा तो वो बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे कोई डॉक्टर वो बात बताता है और वो इलाज देता है जो वो जानता है कि इसका यही इलाज है, ये ऐसे ही होता है। पेशेंट को तो लगता है कि अब पता नहीं ये जो दर्द उठाता है इससे मैं मर ही जाऊंगा लग रहा है, लेकिन जब डॉक्टर देखता है वो कहता है नहीं नहीं मरने वाली बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। और मरने वाली बात होगी तो वो भी डॉक्टर बता देता है। लेकिन आपके इस मामले में आप निश्चिंत हो सकती हैं, इसकी डायग्नोसिस में जो मृत्यु की आहट, जिसको भनक शब्द आपने लिया है, साथ साथ चल रही, वो नहीं है। हो सकता है जीवन आपको अवसर दे रहा हो कुछ नया पैदा होने के लिए, तो इस डायग्नोसिस में मरने वरने वाली बात नहीं है। विषाद रियल है, उसके साथ कोई स्ट्रगल नहीं करना है। मैं भी ऐसी स्थिति से गुजरा, मुझे भी ऐसा लगता था कि बस अब सब खत्म ही हो जाएगा, और विषाद इस तरह से पकड़ता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितने कितने कोनों से आकर हमको घेर लेता है। सामने सब चल रहा है, अब अपनी अपनी सबकी कंडीशनिंग और ट्रेनिंग होती है। मेरे पार्ट से जो मेरी कंडीशनिंग होगी वो ऐसी थी कि सामने वाले को शायद पता भी ना हो, जबकि ये स्थिति है, ये तो बात तय है कि किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में बस प्रारंभिक चरण में ही ऐसे अनुभव से, ऐसे भावदशा से मैं गुजरा। सामने से कोई बताने का मतलब भी नहीं, कोई समझता भी नहीं, तो नहीं बता रहा हूँ। मुझको भी लगता था कि बस चंद दिन का मेहमान हूँ, कुछ बचना बचना नहीं है, और चूँकि पढ़ इतना चुका था, ज्ञान का अंबार लगा हुआ था, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, तो कोई ज्ञान की बात पूछने बताने की कोशिश हो तो वो हमें अंदर जिज्ञासा थी नहीं कि कोई जीवन मृत्यु विषाद महाविषाद इन पर प्रश्न खड़े किए जाएं, उस सब की कोई स्थिति थी नहीं, क्योंकि हर चीज़ का तो उत्तर इंटेलेक्चुअली ही सही पता था। तो ये स्थिति में, इसको कहते ना करेला नीम चढ़ा, उस विषाद को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जटिल बना दिया। जब आपके पास उत्तर नहीं होते हैं तो आपको कम से कम एक सांत्वना होती है कि कोई उत्तर शायद बचा लेगा, कोई उत्तर शायद रास्ता दिखा देगा। मेरे कंडीशन में तो उत्तर की आशा भी नहीं मेरे पास थी, तो विषाद भी बड़ा ही भयावह था, बड़ा ही दम घोटू जिसको कहते हैं। और मुझको यही लगता था कि बस ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है मसला। अब मेरी प्रोग्रामिंग में जो था वो ये था कि मैंने छोड़ दिया था अस्तित्व के ऊपर, और मैं रिलैक्स भी हो गया एक अर्थ में। मुझे लगा कि ठीक है, जब सब चैप्टर ख़त्म ही होना है तो चिंता किस बात की, आराम से सो जाओ, सुबह उठ जाएंगे तो देखा जाएगा।
उसी समय उस टीन एज से निकलते निकलते और वो जो युवा अवस्था थी उसमें आते आते यही मेरी वे ऑफ लाइफ बन गई जो आज तक चलती है। वो वे ऑफ लाइफ यही बन गई कि आखिरी दिन है, ये आज का दिन आखिरी दिन है और कल की कल देखेंगे, कल उठेंगे। तो मैं अपने सब काम भी ऐसे करता था, कोई किताब भी पढ़ रहा हूँ तो ये नहीं कि अभी इसको कल फिर यहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ा देखा पलटा अल्टा रख दिया, कोई काम किया खाया पिया या जो भी स्कूल का जो भी काम था कॉलेज का वो ऐसे ही करके मैं सब खिसकाता था कि ये द एंड, क्योंकि मुझे तो लगता था जो मृत्यु की आहट आप करी मुझको भी मृत्यु की आहट ही लगती थी कि, और खुदा न खास्ता एक ऐसी गलत फहमियाँ भी पकड़ जाती हैं तो मुझे भी पकड़ी हुई थी कि बड़े इंट्यूशन हैं और बड़ा विजन है सब चीज़ें, तो मुझको लगता जो आ रहा है मेरे अंदर वो इंट्यूशन ही है, यानी कि मैं अब जाने वाला हूँ दुनिया से, तो मैं तो जाने वाला हूँ तो बात ख़त्म है, फिर इतना टेंशन काहे को लेने का। तो तब से मेरी लाइफ स्टाइल बन गई कि हर दिन आखिरी दिन है, कल का दिन फिर देखा जाएगा अगर बचे तो। ये चलता ये विषाद, ये जो भगवान बुद्ध के जीवन में भी देखिए इस घटना को कहा गया है, तो वहाँ तो उसको एक टर्म भी देते हैं, आम व्यक्ति के लिए बोलते हैं विषाद और उनके कंडीशन में बोलते हैं महाविषाद। वो महाविषाद उनको पकड़ गया जब वो अपना राजगृह त्यागते हैं। अब राजगृह त्यागना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन वो अंदर से त्याग दिया जाता है। तो ये ट्रांजिशन का फेज होता है श्वेतांबरी जी, अतिक्रमण इसका स्वाभाविक रूप से हो जाता है। बस इसमें करना क्या है, अपने को छोड़ देना है, लेट द थिंग्स हैपन, क्योंकि मैं उससे गुजरा हूँ तो मैं जानता हूँ। बस ये ऐसे ऐसे ही लहर उठेगी जाएगी, कोई भी ज्ञान पहले का काम नहीं आएगा। जैसा भी कविता में भी सारी बात हमने जो कह दी, करीब करीब वैसी ही स्थिति होती है कि कोई आंधी आती है सब कुछ तहस नहस कर जाती है, कोई नींड़ बिखेर देती है, फिर भी कोई दिया उसमें जलता रह जाता है। तो एक सीकर के अंदर वो चेतना का कोई दिया ऐसा है जो जलता रह जाता है, और अचानक एक दिन ये सारे बादल छट जाते हैं और कुछ हो जाता। वो कुछ कब होगा नहीं कहा जा सकता, हो सकता है मुझे सुनते सुनते ही बादल छटने लग जाए, हो सकता है कल, हो सकता है कभी भी, लेकिन वो होंगे पक्का। इस रास्ते पर आपका आना ही शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये बात आप सुन सकें, नहीं तो लाखों करोड़ों रास्तों में आपको इधर ही आना क्यों था ये बात सुनने के लिए। इस चिकित्सक के पास जिस चीज़ का अनुभव है उस अनुभव से रूबरू होने की ज़रूरत आपको शायद कभी पड़नी होगी, इसलिए आपको आना हो गया होगा। तो अपनी आस, अपनी उजास, अपनी प्यास बचा के रखिए, और फिलहाल मरने वाली नहीं है तो इसलिए उसकी चिंता तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं कि हर दिन को आखिरी दिन मानकर जी लिया जाए, वो और सुंदर बना देता है। अपना लैपटॉप, अपना जो भी टैबलेट फ़ोन सब रात में ऐसे ही बंद करके खिसका दीजिए अपने पास से कि द एंड। अपने हस्बैंड बच्चे सबको गुड बाय बोल दीजिए रात में और सो जाइए चुपचाप। सुबह होगी फिर देखा जाएगा, सुबह आपका जो भी प्रोफेशनल वर्क है उसको भी ऐसे ही हैंडल करिए, वो फाइल बंद करके खिसका दीजिए। अब जो पेशेंट होंगे कल देखे जाएंगे, नहीं देखे जाएंगे तो वो अपनी जाने। तो इसको लाइफ स्टाइल में डाल लीजिए अपना, और बाकी तो ठीक होगा, शुभ होगा, और लेट अस होप कि चीज़ें जल्दी ही अनफोल्ड होती हैं।